हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आप सभी का मेरे चैनल सैंग स्विंग आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसके कटिंग का वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले हम ये अस्तर आप देख रहे हैं, अस्तर वाला ब्लाउज है, तो पहले हम अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। अस्तर को ज्वाइंट करते समय इस तरह हम पकड़ेंगे और हमें इसके साइड में ही सिलाई लगानी है पूरी। इसी तरह हम बेल्ट में भी अस्तर को अच्छे से अटैच कर लेंगे। हमने बेल्ट में अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरे साइड का, मतलब इसी आगे वाले ही पार्ट का हमारा दूसरा भाग जो है उसमें भी अस्तर को ज्वाइंट कर लेना है और पीछे वाले भाग में भी अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा जो आस्तीन है उसमें भी हम अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। अस्तर को ज्वाइंट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम अस्तर ज्वाइंट करें तो हमारा, जैसे अस्तर के ऊपर हम कपड़ा रख रहे हैं, तो ना तो हमारा अस्तर सिकुड़ा हुआ हो और ना जो ब्लाउज का कपड़ा है वो सिकुड़ा होना चाहिए। अगर हमारा कपड़ा सिकुड़ा रहेगा तो ऐसे कंडीशन में फूला फूला सा आएगा और ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं दिखेगा। तो जब भी आप अस्तर ज्वाइंट करें तो उसमें इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इस तरीके से हमने अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है, बाजू में भी हमने अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है और जो हमारा पीछे वाला पार्ट है हम उसमें भी अस्तर को ज्वाइंट कर लिए हैं। अस्तर ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ से इस साइड निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 से थोड़ा सा 3 पॉइंट और लेंगे। यहाँ हमने निशान लगाया, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से अब हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 या 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल का जो ये कटिंग होती है वहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान लगाने के बाद इसमें हम प्लेट्स को कितनी लंबाई देनी है इसके लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे इसके लिए निशान लगाएंगे। अब हम इधर निशान लगाएंगे। इधर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इधर निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाते हुए हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ इधर से हम निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट में निशान लगाएंगे। पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें इंची टेप बीच से रख के यहाँ ले आना है। यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लगभग 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है, इस तरफ भी। इस तरह निशान लगाने के बाद सिलाई करते समय हमें 1/2 या 1 इंच लेते हुए इसको फोल्ड कर देना है। प्लेट्स पे निशान लगाने के बाद अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा कम लेते हुए हमें यहाँ तक सिलाई कर लेनी है।
इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब इधर भी हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे भी हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। आधा इंच से हमारा 3 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम यहाँ सिलाई करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा या आधा इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ पर हमें पतला कर देना है। अब हम इस साइड निशान जहाँ लगा है आर्म होल का, उस साइड में हम सिलाई करेंगे और यहाँ हमें 2 या 3 पॉइंट लेते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से प्लेट डालने के बाद इस तरह का कुछ लुक आता है। तो प्लेट से हमने डाल लिया है। प्लेट डालने के बाद इस पे हम बेल्ट जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और हमें रख के देख लेना है कि बेल्ट किस साइड का है, उसी साइड में हमें बेल्ट को जॉइंट करना है। तो बेल्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरफ हमें ऊपर की तरफ पलट देना है और इस तरह मिलाते हुए हमें 3 पॉइंट लेते हुए पूरी सिलाई कर लेना है। इस तरह हमने बेल्ट जॉइंट कर लिया है। अब हम इस तरह पलट देंगे इसको। पलटने के बाद ये वाला कपड़ा हमारा नीचे के साइड होना चाहिए और ये जो हमारा बेल्ट है इसको भी हमें नीचे ही रखना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। एक सिलाई हम चला लेंगे, इसके बाद हम दोबारा एक सिलाई और चलाएंगे। इस तरह हमने एक सिलाई चला ली है। अब इसके थोड़ी दूरी पे हमें 2 पॉइंट का फासला रखते हुए हमें दूसरी सिलाई चला लेनी है। इस तरह हमने 2 सिलाई चला ली है। अब आप देखेंगे कि बेल्ट जॉइंट करने के बाद जैसे हम जब कटिंग करते हैं तो हमारा दोनों कपड़ा बराबर रहता है। प्लेट्स डालने की वजह से यहाँ बेल्ट की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है तो इसको हम काट के निकाल देंगे। सेम इसी तरह हमें जो दूसरा भाग है इसका, उसमें प्लेट्स डाल लेना है और बेल्ट को भी जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से हमने दोनों साइड के प्लेट्स को डाल के बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हम पीछे वाले पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। पीछे वाले पार्ट में प्लेट्स डालने के लिए इस तरह से पकड़ना है हमें। 1 इंच के लगभग हमें यहाँ पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई चलानी है और यहाँ लाके एकदम पतला कर देना है। दोनों साइड में हमने प्लेट्स डाल लिया है। अब हम हुक और काज वाली पट्टी लगाएंगे। हुक और काज वाली पट्टी लगाने के लिए जैसे हुक वाली पट्टी हम जिसमें हमारा हुक लगेगा वो हमारा दाएं साइड होगा और जिसमें हमारा काज बनेगा वो बाएं साइड में होगा। इस तरह की पट्टी हमें निकाल लेना है। इस पट्टी को हम जहाँ जिस साइड में हुक लगाएंगे उस साइड के लिए काटे हैं इसको। और इस पट्टी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, जैसे इसमें हम हुक लगाएंगे इसमें हुक के को जो फंसाया जाता है जिसे हम आई भी कहते हैं, इसमें हम आई बनाएंगे। और ये हमारा हुक वाली पट्टी है, ये हमारा दायां साइड है, इसमें हम हुक वाली पट्टी जॉइंट करेंगे। तो पट्टी को पहले इस तरीके से हमें काट लेना है। ये 3 इंच के लगभग है, इसको इस तरीके से डबल कर लेना है। डबल परत करने के बाद यहाँ पे हमें 3-3 पॉइंट के लगभग छोड़ते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से एक बार सिलने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे। जो हमारा अंदर 3 पॉइंट का कपड़ा है उसे सीधा ही रखेंगे ताकि जो है इधर इधर भी सिलाई चले और
जो पट्टी है उसके ऊपर सिलाई चले, हमें ब्लाउज के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है। इस तरह हमने सिलाई कर ली है, अब इसको ऐसे पलट लेंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख के सिलाई करते हैं ताकि जब हम फोल्ड करें तो गला इस तरीके से गोल रहता है तो कपड़े की कमी ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ छोड़ते हुए सिलाई करते हैं। ऐसे इसको अंदर की साइड मतलब उल्टे की साइड इसको पलट कर और बड़ा धागा करते हुए यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हमने हुक वाली पट्टी को बैठा लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिखेगा यहाँ पर पट्टी, जो हमने हुक वाली पट्टी निकला हुआ दिख रहा है, इसको हम काट के निकाल देंगे। अब हम हुक के लिए जो काज बनता है वो वाली पट्टी लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा बाएं साइड रहता है, इस वाले पार्ट में हम हुक के लिए जो काज बनता है वो बनाते हैं, जिसको हम आई भी कहते हैं। तो काज के लिए पट्टी थोड़ी चौड़ी होती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हुक वाली पट्टी थी थोड़ी पतली थी, ये थोड़ी चौड़ी है, ये 3 इंच से ज़्यादा है, 4 इंच के लगभग है। इसको हम इस तरह से डबल परत कर लेंगे। डबल परत करने के बाद यहाँ से लगाएंगे और इस यहाँ तक हमें 3-3 पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमने एक बार सिलाई कर ली है, अब इसको इस तरह उल्टे की साइड में पलट लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको थोड़ा काट के निकाल देंगे और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके जो हमारी सिलाई यहाँ पहले वाली सिलाई चली है उसके थोड़ा सा कपड़ा इस साइड करेंगे और मशीन चलाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो इस कपड़े पे ही चले, इस साइड ना आए। तो इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं सिलाई इसी पट्टी पे ही चली है। इसके साइड में ही 2 पॉइंट छोड़ते हुए हमें सिलाई एक और चला लेनी है। ये हमारी काज वाली पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब हम दोनों साइड आगे और पीछे वाले पार्ट का कंधा जॉइंट करेंगे और जो हमारा यहाँ फिटिंग दिया जाता है फिटिंग का निशान लगा के उस पर सिलाई कर लेंगे। तो हमें पहले पीछे वाला पार्ट रख लेना है, इसके ऊपर हम आगे वाला पार्ट रख लेंगे। दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। हमने दोनों कंधों की सिलाई कर ली है, अब हम इस साइड में फिटिंग का निशान लगा के यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमें कुछ करना नहीं है। पीछे वाले पार्ट में ये बॉर्डर आप देख सकते हैं कि बना हुआ था, तो मैंने क्या किया कि जो अस्तर था उसको इस साइड में सिलाई करके इसको पलट दिया है। तो हमें क्या करना है कि पीछे वाले पार्ट में तुरपाई नहीं करनी है और ना ही पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है। हमें बस क्या करना है कि इसमें हम जब इस तरह से मिलाएंगे यहाँ हमारा जो आगे वाले पार्ट में ये कपड़ा बचेगा इसको हम फोल्ड कर लेंगे। बाकी हमारा पीछे वाला पार्ट तैयार है, पीछे वाले पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। इस तरह हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है, अब हम इसी के ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड में भी फिटिंग के निशान पर सिलाई कर लेंगे। फिटिंग के निशान पर सिलाई करने के बाद अब हम ये जो नीचे तुरपाई वाला भाग है जो हमारा छूटा हुआ है इसको हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करके बड़ा टाका करके हमें यहाँ से यहाँ तक की सिलाई कर लेनी है। ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे और उस धागे को तोड़ देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखेंगे हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको काट के हमें बराबर कर लेना है।
और इस वाले पार्ट को फोल्ड करते समय नीचे की साइड हमें ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट की पट्टी हमारा बराबर बराबर हो। इस तरह हम मिला लेंगे। मिला के यहाँ हमें निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद दोनों पट्टी एक बराबर रहे उसी हिसाब से हमें फोल्ड कर लेना है। नीचे फोल्ड करने के बाद अब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। बाजू ज्वाइंट करने के लिए ये हमारा दोनों बाजू तैयार है। पहले से हमने इसमें अस्तर ज्वाइंट कर लिया है, ये भी बॉर्डर वाला है। तो हमने क्या किया है कि जैसे हमने पीछे वाला पार्ट पहले सीधे के साइड में हमने रख के उसकी सिलाई कर ली, फिर उसको अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया। इस तरीके से हमने अंदर की साइड में पलट कर इसको इस यहाँ से पूरे अस्तर को ज्वाइंट कर लिया है। इसमें हमें अब क्या करना है कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सीधा वाला बाजू नहीं है, जैसे जिस तरह से हम पहले बाजू ज्वाइंट कर लेते हैं फिर फिटिंग का निशान लगाते हैं, तो उस तरीके से हमारा ये नहीं है। पहले हम फिटिंग दे देंगे ब्लाउज में, तब हम लास्ट में जो है हमारा बाजू ज्वाइंट होगा। तो हमने पहले फिटिंग कर लिया है ब्लाउज का, अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे बाजू की जितनी फिटिंग होगी, और हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और हम इस कोने ले आकर ख़त्म कर देंगे। इस तरह सिलाई हमें लगा लेनी है। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये देखेंगे कि ये हमारा बाजू बाएं साइड वाला है, हमारे बाएं हाथ का, क्योंकि सेब की कटिंग हमारा बाएं साइड आ रहा है, तो हम इसको बाएं साइड में ज्वाइंट करेंगे। बाजू को बाएं साइड में ज्वाइंट करने के लिए इस तरीके से देखना है कि हमारा बायां पार्ट कौन सा है। तो ये हमारा बायां साइड है, तो जो आर्म होल वाला भाग है हमें उस साइड को पकड़ लेना है। और ये जो हमारा जहां हमने एकदम लाके ख़त्म किया था सिलाई, वहां पे हमें पकड़ना है। और यहां जो हमारा जोड़ है और ये हमारा जो जोड़ है, इसको इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से हम मिला लेंगे और अच्छे से मिलाते हुए ऐसे मिलाते हुए जाएंगे। और जहां हमारा जोड़ हमने पहले शुरू किया है वहां तक हमें मिलाते हुए ले आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने शुरू किया था मिलाना, ये जो हमारा इतना पार्ट है जो हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ जोड़ आने पर इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हमें इतना सिलाई कर देनी है। क्या करेंगे अब, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ जोड़ है तो उसी जोड़ पे हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसे हमने यहाँ निशान लगाया है, तो हमारा दोनों साइड का कपड़ा अंदर जाएगा, तो हमें इसका आधा ही सिलना है। इस तरीके से हमें इस सिलाई से मिला लेना है और आधा कर लेना है। इसको आधा करके यहाँ निशान लगा लेना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से हमने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था हमारा उसको सिल के अंदर कर दिया है। अब हम जब बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहेगा, बाजू एकदम फिनिशिंग तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमारा बायां साइड है, इसमें हम बाजू ज्वाइंट करते समय बाजू को पहले हम ये हमारा जहाँ सिलाई ख़त्म हुआ है उस जगह हमें पकड़ना है
और यहाँ जो हमारा ब्लाउज का सिलाई ख़त्म हुआ है, शुरू हुआ है, जो भी यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से हमें मिला लेना है। तो आप देखिए, ठीक से देखिए कि इस तरीके से यहाँ ब्लाउज का कपड़ा है और ये बाजू का कपड़ा है और ये दोनों जोड़ हमें मिला लेना है। इस दोनों जोड़ को मिलाने के बाद इस तरह हमें पकड़ना है और इसको ऐसे कर लेना है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो तो आप इसमें पिन लगा के पहले अटैच कर लीजिए, या फिर एक पिन यहाँ लगा दीजिए, एक पिन इधर लगा दीजिए, फिर सिलाई लगाइए। अगर दिक्कत ना आए तब आप ऐसे ही सिलाई कर लीजिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ जोड़ पे पकड़ना है और ब्लाउज के कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और जो बाजू का कपड़ा है उसे इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह फोल्ड करते हुए इसी जॉइंट से ही हमें, जहाँ से हमने बाजू को मिलाया है वहीं से हम सिलाई शुरू करके और पूरे गोलाई में सिलाई करते हुए यहीं पर ख़त्म कर देंगे। हमें तीन तीन पॉइंट के लगभग कपड़ा छोड़ते हुए सिलते जाना है। इस तरीके से हमने बाजू को जॉइंट कर लिया है। बाजू को जॉइंट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है ना उसे हम ज़्यादा खींचें और ना ही हमारा जो बाजू का कपड़ा है उसे ही खींच के बैठाएं। अगर खींच के बैठाएंगे तो कपड़ा एक सिलाई करते समय एक साइड में बढ़ जाएगा और सिलाई करने में दिक्कत आएगी, उसको बार बार तोड़ के निकालना पड़ेगा, फिर आप जॉइंट कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में दोनों कपड़े को बराबर मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड में हमने बाजू को जॉइंट कर लिया है, इधर भी और इधर भी। बाजू जॉइंट करने के बाद अब हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए इस तरह की औरेवी पट्टी को काट के निकाल लेना है। इसको हम इस तरह डबल डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद गले को साइड हमें पकड़ना है एक किनारे, और गले की पट्टी को हमें पकड़ना है, और इस तरह मिलाते हुए हमें दो दो पॉइंट के लगभग छोड़ते हुए और इस पट्टी को हम थोड़ा खींचते हुए बैठाएंगे। इस तरह हम खींचेंगे इसको और सिलाई कर लेंगे। हमें ब्लाउज के कपड़े को नहीं खींचना है, हमें जो गले की पट्टी है इसी को खींचते हुए बैठाना है। इस तरह हमने गले की पट्टी बैठा ली है। अब इसमें कुछ ज़्यादा ही कपड़ा हमें दिख रहा है तो इसे हमें काट के निकाल देना है थोड़ा थोड़ा। इसी तरह हम पूरे गले की पट्टी को कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद जो गले का कटा हुआ कपड़ा है इसको हमें सीधा ही रखना है, और ये जो पट्टी है इसको भी हमें इसी साइड में फोल्ड करना है और दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेनी है। इसी पे हम सिलाई करते हुए पूरे गले पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हमें पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमने सिलाई कर ली है पूरे गले पे। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस पट्टी को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
इस तरह फोल्ड करते हुए हम बड़ा धागा करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जब हम इसमें काज बटन करेंगे, इसके बाद हम गले में भी तुरपाई कर लेंगे और जो हमारा बड़ा धागा रहेगा उसको हम तोड़ देंगे। तो हमने गला बना लिया है इस तरीके से। इस पे अब तुरपाई आप कर दीजिए तो एकदम कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसमें हुक लगाना है, इसमें हमारा काज बनेगा। हुक और काज के बाद हमारा ब्लाउज एकदम कंप्लीट हो जाएगा, पहनने लायक एकदम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेल्ट वाले ब्लाउज में कटिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि साइज के हिसाब से इस बेल्ट की कटिंग की जाती है। जैसे 30 से 32 इंच के नाप का अगर आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो तो उसमें 5.5 इंच का यहाँ का साइज हमें रखना होगा। और हम 40 और 42 इंच तक के ब्लाउज के बेल्ट की कटिंग कर रहे हो तो उसमें 6.5-7 इंच तक इसको रखेंगे। तो बेल्ट वाले ब्लाउज में हमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है। और जब भी हम प्लेट डालते हैं तो उसमें हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे यहाँ पर हम जब भी प्लेट्स डालते हैं 1.5 इंच का गैप तो ज़रूर रखते हैं ताकि हमारा जो गुलाई बनता है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है और जो मैंने कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो बनाया है आपके लिए, इससे आपको कटिंग और स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरे वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही हो, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पर लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।